लापता युवक का शव बिहड़ में मिला था। इटावा पुलिस ने 3 गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा। ऑटो के चक्कर में दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। इटावा जनपद के बड़पुरा थाना अंतर्गत रहने वाले दिव्यांग अनबोल पुत्र राम कुमार सिंह पंचायत भटपुरा रमी का बार 3 दिनों से अपने ऑटो के साथ उदी मोड़ चौराहे से लापता बताया जा रहा था। उसी क्रम में 16 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि उदी चंबल के बिहड़ में किसी अज्ञात युवक का शव जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से पहचान कराने पर पता चला कि यह शव 3 दिन पहले लापता दिव्यांग अनबोल का ही है। वही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सीओ जसवंत नगर फॉरेंसिक टीम ने साक्षियों को एकत्रित कर जांच के लिए भेजा। इधर पुलिस के रवैये से गुस्साए ग्रामीणों ने उदी मोड़ चौराहे के ब्लॉक के सामने शव को सड़क पर रखकर थाना पुलिस पर कार्रवाई व अपराधी को पकड़ने के लिए नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तभी मौके पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता बिमल भदौरिया एसपी सिटी कपिल देव सीओ जसवंत नगर अतुल प्रधान द्वारा परिजनों को काफी समझाकर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही गई। तत्पश्चात एसपी सिटी कपिल देव के आश्वासन पर परिजनों की सहमति से पुलिस ने शव को सड़क से हटाया व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज इटावा पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। एसएसपी ने बताया ऑटो के चक्कर में दोस्त ने दोस्त की हत्या की थी। ऑटो व मोबाइल फोन लूटने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस टीम व थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने लूटे गए ऑटो सहित 3 अभियुक्तों को यमुना पुल से मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन व ऑटो बरामद किया है। वही खुलासा करते हुए एसएसपी इटावा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अनमोल नाम का लड़का था, इसकी गुमशुदगी दर्ज थी 15 अगस्त के दिन। 14 तारीख से वो घर से गायब था, अपना टेम्पो चालक था वो, और बड़पुरा थाना जनपद इटावा में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी। पुलिस की टीम लगी हुई थी और 16 तारीख को कुछ गांव वालों ने उसको देखा, एक डेड बॉडी, तो उसके आधार पर उसकी पहचान हुई थी अनमोल के रूप में। और उसकी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा था कि उसको गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। बाद में पोस्टमार्टम में भी उसकी गला दबा के हत्या करने की भी रिपोर्ट आई है। जब हमारी जो एसओजी टीम, सर्विलांस की टीम, थाना अध्यक्ष बड़पुरा, सीओ सिटी और एसपी सिटी की टीम इसमें लगती है, बराबर बातचीत करती है और चेकिंग और पूछताछ करती है, तो 3 लोग अचानक टेम्पो के साथ पकड़े जाते हैं। और जब पूछताछ की जाती है तो एक का नाम किशन है, एक का नाम मोनू है और एक का नाम जो है सुनील है, जिसको तीनों को पकड़ा गया है। और तीनों जसवंत नगर के रहने वाले हैं और तीनों गिरफ्तार किया गया। 23 साल, 21 साल और 20 साल के आसपास इनकी उम्र है। जब पूछताछ कड़ाई से किया गया तो इन्होंने बताया कि शराब पी करके चंबल नदी के किनारे इसको ले गए थे और वहां पर इनकी नियत इनके ऑटो टेम्पो लूटने की थी और मोबाइल लूटने की थी, जिसके परिदृश्य में इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी थी, गमछा से हाथ पकड़ कर और गला दबा करके गमछे के सहयोग से, और जिसके आधार पर इन्हें पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ यही बता दूं कि इनके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस और मोबाइल्स, जो उसका मोबाइल था और जो मृतक का मोबाइल था, वो सब बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ 302, 392, 201 आईपीसी और 34 आईपीसी सामान्य आशय का जो धारा होती है वो लगाई गई है। और बरामदगी के आधार पर तथा तमाम साक्ष्यों के आधार पर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी जो मोनू है, वो इसका आपराधिक इतिहास है 351 आईपीसी का, बड़पुरा थाने जनपद इटावा में ही। बाकी अभी और जांच की जा रही, तफ्तीश की जा रही है कि और किसी का आपराधिक इतिहास है या नहीं। बाकी जो विसम्मत संघ से कार्रवाई की गई है इसमें और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मैं अभी अवगत करा दूं कि ये चूंकि हत्या का अपराध है और हत्या विथ लूट है, तो इसमें गैंगस्टर और 14 की कठोरतम कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नहीं, बस सिर्फ इनकी जो नियत थी वो ऑटो लूट करने की थी, और साथ साथ चूंकि ये भी ऑटो ड्राइवर है जो मुलजिम पक्ष हैं, और मोबाइल इसका बहुत ही महंगा था सैमसंग का, जिसके वजह से उनको लूटने का प्लान इन सबों ने किया और लूटने के लिए उसकी हत्या करके
नदी किनारे जंगल में छुपा दिया था।